I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. मैं ये नहीं कह रहा बाबूजी, आप कहना क्या चाहते थे? आपकी कोई बात का मतलब ही नहीं बनता था। वो कोट है बाबूजी, कोट। मुंह से निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं। मजाक उड़वा लिया आपने अपना। मजाक मेरा नहीं, सच्चाई का हुआ था। मैंने जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, वो हुआ था मेरे साथ। क्या दिमाग फिर गया है? मैंने एक एक बात सही बोली थी। मेरे रिटायरमेंट का दिन, मेरे रिटायरमेंट की तारीख, मेरा पॉलिसी नंबर 78। मैं कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था वो 2 साल 3 महीने और 18 दिन चला था। 13 अप्रैल को उसका फैसला हुआ था मेरे हक में। जस्टिस बी के चौधरी उसका जज था। क्या दिमाग फिर गया मेरा? तू शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, दोपहर को 2:37 पर, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे भाई मेरे साले की शादी हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? जी जी हुई थी। और 10वीं क्लास में तू गणित में फेल हो गया था, कंपार्टमेंट में तुझे 11वीं क्लास में चढ़ाया गया था, याद है? तुम्हें याद है? मुझे सब याद है। सब पेपर रखता हूँ मैं अपने पास, ये देखो सब पेपर, ये देखो। शराब की बोतल। चलो, कोर्ट में कही हुई मेरी बातें बहकी हो सकती हैं। उम्र के बोझ में मैं अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा हूं, यह भी सच हो सकता है। लेकिन विशाल, ये तो नहीं हो सकता कि मैं शराब पीने लगा हूं। ये बोतल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परेशान करने के लिए। बस बाबूजी, अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। ठहरो, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे साथ है भाई, नहीं जा सकते। तुमको अंदर आने के लिए मना किया ना? एसीबी साहब, मैं आप बाबूजी, अब सब कुछ मेरे सामने होगा। मेरे बाबूजी से क्या पूछा जाता है, क्या लिखाया जाता है, सब कुछ। हम लोगों ने खूब मजा किया होगा। इंस्पेक्टर, उस दिन कोर्ट के बाहर वो बैग तुम्ही ने दिया था ना? हाँ, मैंने दिया था। तो फिर वो दारू की बोतल भी तुम ही ने डाली होगी। कहना क्या चाहता है तू? कि वो दारू की बोतल उस बैग में तुमने डाली थी। विशाल, 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 रुक जाओ, रुक जाओ विशाल, छोड़ो मुझे विशाल। देखिए गिरी बाबू, विशाल का जल्दी छूटना मुश्किल है। केस काफी बिगड़ गया है क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है। आप कोशिश तो कीजिए वकील साहब। कोशिश कर लेते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। जज साहब, मेरा नाम सचिदानंद अग्निहोत्री है। मेरा केस भी आप ही की कोर्ट में है। मैं पुलिस का गवाह हूँ। एक तरह से मैंने कानून की मदद की है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बेटे को झूठे खून के इल्जाम में लॉकअप में बंद करवा दिया है। आप उसकी जमानत करवा दीजिए, बाद में उसका भी केस कानूनी तरीके से चले, कोई बात नहीं। जज साहब, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। देखिए, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पुलिस की कार्रवाई में हमारा कोई दखल नहीं होता। आई एम सॉरी। जज साहब, मेरी बात सुनिए। जज साहब, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जाने दीजिए। जज साहब, आपने इस तारीख में केस को कितना तोड़ा है ये मुझे मत बताइए। मेरे बेटे नागेश को लॉकअप के अंदर आज पूरे 13 दिन हो गए हैं।
यहां मेरी आत्मा पर बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं ही उसे मार मारकर पुलिस स्टेशन तक ले गया था। यह सच्चिदानंद स्कूल मास्टर, 2000 रुपए माहवार की तनख्वाह वाला सरकारी गुलाम मुझ पर भारी पड़ रहा है, जसपाल राणा पर भारी पड़ रहा है, एक लड़की के अपहरण का चश्मदीद गवाह बन गया है, यह जानते हुए भी कि उस लड़की को मेरे बेटे ने उठाया था। मामूली सा मास्टर, मामूली सा मास्टर चश्मदीद गवाह, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा है, मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री। कामले साहब, नागेश को 2 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर निकालो, और यह बात सिर्फ तुम्हारे खास लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्योरिटी हटा दो। अब ये नया क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। राणा साहब, अब तो ये केस आने वाली इसी तारीख में निपट जाएगा। देखकर बोलने की बीमारी है ना इस मास्टर को, अब मैं जो उसे दिखाऊंगा, कोर्ट में बोलना बहुत भारी पड़ेगा उस मास्टर को। ये दूध पी लो, फिर दवाइयां भी तो लेनी है आपको। नहीं बेटे, और कितनी दवाइयां खिलाओगी मुझे, मैं इतनी बीमार थोड़ी हूं। आज पूरे 5 दिन हो गए विशाल को देखे। क्या कहते हैं वकील साहब, कब तक छूटेगा वो? वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विशाल जल्द से जल्द छूट जाए। कल हमने कोर्ट में अपील भी कर दी है, बस वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। इतनी रात हो गई है, ये भी अभी तक घर नहीं लौटे। हाँ? क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते रिया। नमस्ते बाबूजी। कैसी हो बेटा? ठीक हो। क्या बात है, क्या फिर कुछ? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। और मैं तो इतनी रात तक कोई खास काम निपटा भी नहीं रहा था, यूं ही गार्डन में बैठा था, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तुम फिक्र मत करो गायत्री, अब इस अध्याय का समापन बस होने ही वाला है। कल कोर्ट की तारीख है ना, सब ठीक हो जाएगा। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shimaru Me now.